तो आप इनको सस्पेंड करो, फिर सस्पेंड भी नहीं करेंगे, ट्रांसफर करो, ट्रांसफर भी नहीं करेंगे। तो भाई दाल में तो कुछ काला है, सारा देश तो पागल नहीं है और आप ही अकेले सियाने नहीं हो। अब धीरे धीरे सबको पता चलने लगा कि चल क्या रहा है दिल्ली के अंदर। लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही केजरीवाल दिखे एक्शन मोड में, भाजपा को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अक्सर भाजपा पर करारा हमला करते हुए दिखाई देते रहते हैं, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में खड़े होकर बोला कि दाल में कुछ काला है, देश पागल नहीं है और तुम अकेले सयाने नहीं हो, तब कहीं ना कहीं भाजपा खेमे में इसे लेकर जरूर चर्चा हुई होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कल विधानसभा में खड़े होकर भाजपा पर आग बबूले होते हुए दिखाई दिए। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने फरिश्ते स्कीम बंद करने को लेकर भी भाजपा पर करारा हमला किया है। उन्होंने कहा कि फरिश्ते स्कीम ने 23,000 से ज्यादा एक्सीडेंट विक्टिम की जान बचाई है, जबकि एलजी ने उस स्कीम को बंद कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि अफसर कहते हैं कि एलजी ने बोला है स्कीम रोकने, एलजी साहब कहते हैं मैंने नहीं किया, एलजी साहब कहते हैं मैंने नहीं कहा। चलो मान लेते हैं एलजी साहब नहीं कहते, तो फिर उन अफसरों को सस्पेंड करो जो काम रोक रहे हैं, या ट्रांसफर करो। ट्रांसफर नहीं करेंगे, सस्पेंड नहीं करेंगे, दाल में तो कुछ काला है और देश पागल नहीं है और तुम अकेले सयाने नहीं हो, तुम 4 वोट के लिए देश को बेच सकते हो। अब धीरे धीरे सबको पता चलने लगा है कि चल क्या रहा है दिल्ली में। तुम लोग 4 वोट के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो, देश को बेच सकते हो। अब आइए सुनते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है। फरिश्ते स्कीम कि दिल्ली की सीमाओं के अंदर किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसका जहां मर्जी वो इलाज करा ले, प्राइवेट में, बड़े से बड़े प्राइवेट, उसका सारा खर्चा हम देते थे। 23,000 लोगों की हमने जान बचाई एक्सीडेंट वालों की, एलजी साहब ने वो स्कीम भी बंद करा दी। और ये बड़े मजे की बात यह है, एलजी साहब को मैंने जाके बताया, पिछले 6 महीने में मेरी जितनी मीटिंग हुई है बार बार मैंने एलजी साहब को कहा है जी मैं अफसरों को बुलाता हूं और मैं उनसे पूछता हूं भाई क्यों बंद कर रहे हो। हर अफसर ये कहता है मेरे को एलजी ने बुला के धमकाया, मेरे को एलजी ने बुला के धमकी दी है कि काम भर करोगे तो। एलजी साहब बोले मैंने तो कभी धमकी नहीं दी, मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है। अफसर कह रहे हैं एलजी ने बुला के धमकाया, एलजी साहब कह रहे हैं मैंने कोई धमकी नहीं दी। तो ये अचानक पिछले 2 साल के अंदर दिल्ली की सारी पेमेंट बंद क्यों होती जा रही है? दवाइयों की पेमेंट बंद हो रही है, टेस्ट की पेमेंट बंद हो रही है, मंत्री लिखित में आदेश दिए जा रहे हैं उनके आदेश नहीं माने जा रहे। यही अफसर है, अफसर नहीं बदले, सारे के सारे वही अफसर है जो अभी तक जो अफसर काम कर रहे थे सरकार के लिए, अचानक उन अफसरों ने जो बेसिक सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड करना बंद कर दिया। कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कहा चलो जी आपकी बात मान लेते हैं कि आप नहीं कर रहे, तो आप इनको सस्पेंड करो, फिर सस्पेंड भी नहीं करेंगे, ट्रांसफर करो, ट्रांसफर भी नहीं करेंगे। तो भाई दाल में तो कुछ काला है, सारा देश तो पागल नहीं है और आप ही अकेले सियाने नहीं हो। अब धीरे धीरे सबको पता चलने लगा कि ये चल क्या रहा है दिल्ली के अंदर। तुम लोग किसी भी हद तक गिर सकते हो, इस देश को बेच सकते हो तुम लोग केवल 4 वोट के लिए। तो सुना आपने किस तरह अरविंद केजरीवाल ने एलजी को आड़े हाथ लेते हुए आग बबूले होते हुए दिखाई दिए। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और इसी तरह की खबर देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके लिए न्यूज रूम से अमन बरडियार की रिपोर्ट।